अरे चुपकर चुपकर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। नाना पाटेकर का जो एक किरदार जो लिखा गया था कि उसको सॉल्व करने का, जैसे एक सीन है ना कि बच्चे को कह रहा तू तेरी माँ है तू संभाल, उठा पत्थर मार तोड़ सर उसका, उस तरह का जो किरदार था वो कहीं किरदार आपने देखा था क्या? मतलब कि यार ऐसा आदमी जो अपने तरीके से सॉल्व करता है। एक मेरा फ्रेंड था कॉलेज के टाइम पे, वो हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, करता कुछ नहीं था। तो मैं उसको कभी बोलेगा देश में ऐसा होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना। मैंने यार तो इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करता है तो कुछ करके दिखाना है। तो बोलते मैंने थोड़ी ठेका लिया हुआ है मैं। अच्छा, तो वो कैरेक्टर तब से मेरे दिमाग में था। तो मैंने बाद में जब एक कंप्लीट स्क्रिप्ट की और पिक्चर बनी तो मैंने उसको फोन भी किया, मतलब देख तू जो बोलता था ना वैसा ही ये कैरेक्टर है, बोलता है लेकिन ये करके दिखाता है। अच्छा, तो नाना को उस कैरेक्टर में मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया था। देखिए वो भी मतलब बोलता था लेकिन उसने करके भी दिखाया बचपन से ही, मतलब उसका कैरेक्टर। हाँ, तो जब बड़ा हुआ तभी भी वही था। तो वो कैरेक्टर में वो मेरे को इंस्पायर वहाँ से हुआ था। बाबरी के बाद राइट्स हुए थे काफ़ी, तो उस टाइम पे मेरे को ख्याल आया कि क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम पे कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए, और सब्जेक्ट ऐसा था कि उसमें कमर्शियल वे में बनानी चाहिए और जो सच्ची बात आपको दिखानी है वो कमर्शियल वे में दिखाई जाए। तो मैंने फिर सोचा, तो मैंने उसी हिसाब से वो कैरेक्टर लिखा। उस कैरेक्टर में फिर मैंने सोचा कि नाना को, क्योंकि डेफिनेट नाना वो कैरेक्टर में फिट था एकदम, तो नाना को दिमाग में रख के ही वो कहानी लिखी गई। अच्छा, हाँ। और नाना को जब सुनाए तो मतलब वो सुन के मतलब वो बोला मेहुल जब स्टार्ट करनी है कर। अच्छा, आई एम डूइंग बोलते। क्रांतिवीर का जो सब्जेक्ट था वाकई में, जैसा कि अभी आपने पहले भी कहा, बाबरी मस्जिद के बाद देश में बहुत जगह पे दंगे हुए, उन दंगों की जो सच्चाई थी वो कहाँ से उठाई आपने और फिल्म में उसको डाला? मतलब जैसे न्यूज़पेपरों में, टीवी पे, चैनलों पे जो कुछ भी मिलता था, मैं हमेशा उसमें से कोई कोई मेरे को अच्छा लगता था तो वो बाद में दिमाग में रखता था कि भाई इसको अगर हम लोग फिल्मों में यूटिलाइज़ किया जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए बात, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखाई। कितने सारे ऐसे सीन हैं जिसमें वो सारी बातें बताई गई थी।